नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट साइंस स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास अपडेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वनडे मैच कल एडिलेड ओवल में खेला जाना है और इसके लिए भारतीय टीम यहां पे जमकर तैयारी करती नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पे सबसे पहले T20 मैच खेले गए थे, 3 T20 मैच थे। पहले T20 मैच में भी भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था, दूसरा मैच खेला वो बारिश की वजह से नहीं हो पाया और तीसरे मैच में भारतीय टीम ने T20 में जीत दर्ज की और 1-1 से T20 सीरीज बराबरी पर आ था। वहीं उसके बाद टेस्ट मैच खेले गए और 4 टेस्ट मैचों के सीरीज में भारतीय टीम ने 2-1 से जीत कर इतिहास रच दिया। 71 साल बाद ऐसा मौका आया था जब भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में हराकर टेस्ट सीरीज जीता और इसके साथ ही ऐसा करने वाली पहली एशियाई टीम बन गई भारतीय टीम और इतिहास रच दिया। नए साल में भारतीय टीम ने फैंस को यहाँ पे बहुत बड़ा तोहफा दिया नए साल का। उसके बाद 12 जनवरी से वनडे सीरीज शुरू हो गए। यहाँ पे 3 वनडे मैच खेले जाने थे, 1 खेला जा चुका है, 2 अभी भी सीरीज के बाकी हैं। पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 288 रन बनाए। भारतीय टीम को 289 रन बनाने थे लेकिन शुरुआत में जो भारतीय टीम ने 4 रन बनाकर अपने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए और ये सबसे बड़ी वजह रही हार की। उसके बाद रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी ने शानदार बल्लेबाजी की। अच्छा, यहाँ पे 137 रनों की पार्टनरशिप बिल्ड की थी लेकिन 51 रन बनाकर धोनी आउट हो गए। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेला और भारतीय टीम यहाँ से पूरी तरह से बिखर गई और 34 रनों से भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। जो हम उम्मीद कर रहे थे कि भारत ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में 3-0 से हराएगा, अब ये उम्मीद फीका पड़ता नजर आ रहा है। भारतीय टीम यहाँ पे दबाव में है। अब यहाँ पे देखना होगा कि दूसरा वनडे मैच जो कल एडिलेड में खेला जाएगा, क्या भारतीय टीम यहाँ पे जीत दर्ज करके सीरीज में वापसी करती है या नहीं, क्योंकि भारत का टेस्ट के बाद वनडे में भी प्रदर्शन पहले भी वैसा ही रहा है। लगातार भारतीय टीम को यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हार का सामना करना पड़ता था। हालांकि सीरीज जरूर जीता है वनडे सीरीज, लेकिन अधिकांश मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया ही है। तो इस बार देखना होगा कि एडिलेड में कैसा प्रदर्शन करती है भारतीय टीम। वही कप्तान विराट कोहली जो पहले वनडे मैच में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए थे, एडिलेड में इनका प्रदर्शन देखना वाकई दिलचस्प होगा क्योंकि इससे पहले भी जितने मैच खेले हैं विराट कोहली ने एडिलेड में शानदार फॉर्म में रहे हैं वहाँ पर। और इस बार देखना होगा कि क्या जिस तरह टेस्ट में उन्होंने पर्स में शतक जड़ा था, क्या एडिलेड में भी वनडे मैच में शतक जड़ते हैं कि नहीं। यही ऑस्ट्रेलिया टीम का भी दबाव बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि उन्होंने पहला वनडे जीत लिया है और 34 रनों के अंतर से जीता है, तो उनका मनोबल जाहिर सी बात है यहाँ पर बढ़ा हुआ होगा और वो एक मैच और जीतने की उम्मीद से उतरेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे एक मैच और जीतती है तो वो सीरीज को जीत लेगी और भारतीय टीम के लिए यहाँ पे मुश्किलें होंगी कि वो ये दूसरा जो मैच है ये सबसे महत्वपूर्ण मैच है और यहाँ पे भारतीय टीम जीती और इस सीरीज में अपनी दावेदारी बना सके। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल जो मैच शुरू होगा इसमें भारतीय टीम कैसे प्रदर्शन करती है, मिडिल ऑर्डर का परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इसके लिए हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। और जो भी अपडेट्स होंगे उसके साथ हम बने रहेंगे और इसके लिए आप हमारे नेक्स्ट रन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।